हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बिलियन पे चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा बोट की सक्सेस स्टोरी, इनका बिजनेस मॉडल और कैसे इन्होंने 6 साल के अंदर देश भर में अपना एक्सपेंशन करा। 2016 में इस ब्रांड को अमन गुप्ता समीर मेहता ने चालू करा था। उस समय इनके पास सिर्फ 30 लाख रुपए की कैपिटल थी। बोट का जो सबसे पहला प्रोडक्ट था वो था एप्पल के चार्जर्स। मार्केट के अंदर इन्होंने देखा कि एप्पल के चार्जर्स बड़े महंगे आते हैं। फोन तो सब खरीदे थे ईएमआई के ऊपर, बट चार्जर बड़ा खराब हो रहे थे, केबल्स बड़ा खराब हो रही थी, तो इन्होंने बनाना चालू करा और अल्टीमेटली इनको बहुत बड़ी सक्सेस मिली। फिर इन्होंने ये देखा कि मार्केट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स की डिमांड है, जैसे हेडफोन्स की डिमांड है, वायरलेस एयरपोर्ट्स की डिमांड है, फिर उसके बाद वेरेबल्स की डिमांड है, स्मार्ट वॉच की डिमांड है, तो इन्होंने उन प्रोडक्ट को लॉन्च करना चालू करा। और 2020 आते आते 14,000 प्रोडक्ट्स पर डे बोट इंडिया के अंदर सेल कर रहा था और काफ़ी तेज़ी से इनको ग्रोथ मिली। 2018 में फायरसाइड ने इनके वेंचर में 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करा और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स इनको मिले, जैसे वारबर्ग जो कि न्यूयॉर्क बेस्ड प्राइवेट इक्विटी फर्म है, जिन्होंने $100 मिलियन बोट के अंदर इन्वेस्ट करे। उसके बाद कंपनी ने 50 करोड़ रुपए कॉलकॉम वेंचर्स से 2200 करोड़ की वैल्यूएशन पर रेस करे और आज 2019 के अंदर बोट के पास 27.3% का मार्केट शेयर है। बोट ने अपने एक्सपेंशन के लिए फिजिटल मॉडल को अपनाया, मतलब पहले ये ई कॉमर्स स्टोर्स के ऊपर जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वहां बेच रहे थे, खुद की वेबसाइट के थ्रू बेच रहे थे, बट इन्होंने देखा कि हमें ऑफलाइन भी जाना है। अब क्या है, ऑनलाइन ब्रांड इक्विटी अच्छी बन गई, इन्फ्लुएंसर्स को उन्होंने हायर करा, फंडिंग ये रेज कर चुके थे, तो हर दुकानदार इनका माल रखने को तैयार था। जैसे ये फिजिकल गए, 5,000+ रिटेल स्टोर पे तुरंत आ गए और इन्होंने 20 मिलियन कस्टमर्स को सर्व करना चालू कर दिया। अब मैं आपको बोट की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। सबसे पहली स्ट्रेटेजी, इन्होंने खुद को प्रेजेंट करा मार्केट के अंदर ऐसा लाइफस्टाइल ब्रांड। 2019 के अंदर लैक्मे फैशन वीक हुआ था मुंबई के अंदर, वहाँ पे मॉडल्स ने बोट के एक्सेसरीज को पहन के मॉडलिंग करी, तो वहां से बोट को काफी अच्छा मार्केट के अंदर हिट मिला। दूसरा, डिजिटल मार्केटिंग। कंपनी ने बहुत सारा पैसा एड्स के ऊपर बर्न करा, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक के ऊपर बहुत सारे एड्स चलाए जहां से कस्टमर को एक्वायर कर पाए। तीसरी स्ट्रेटेजी, एक्सपेंडिंग रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। इन्होंने बहुत सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च करे एप्पल के चार्जर लॉन्च करने के बाद, जैसे वायरलेस स्पीकर्स, वेरेबल्स, ब्लूटूथ हेडफोन्स, काफी सारी चीजें ये लेकर आए। और साथ साथ इन्होंने आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर इनके साथ पार्टनरशिप करी और इनको प्रिंट करना चालू करा अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। चौथी चीज़, परफेक्ट टारगेटिंग। इन्होंने यूथ को टारगेट करा, उसके लिए सोशल मीडिया पर ऐड चलाए, स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंसर को हायर करा, बॉलीवुड स्टार्स को हायर करा, हार्दिक पांडे, केएल राहुल, शिखर धवन, कार्तिक आर्यन, नेहा कक्कड़, कियारा आडवाणी, जैकलिन, इन सब इन्फ्लुएंसर्स को इन्होंने हायर करा और आज बोट के प्रोडक्ट्स अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, जबैंग, क्रोमा हर स्टोर के ऊपर बिक रहे हैं। बोट ने एक ऑनलाइन बहुत अच्छा मार्केटिंग पूल क्रिएट करा था, जिसकी वजह से ये ऑफलाइन तेजी से फैल पाए। देखो, जो ऑफलाइन आपका फ्रेंचाइजी चैनल पार्टनर होता है ना, उसका काम सिर्फ के प्रोडक्ट्स को रखने का होता है, ताकि कस्टमर को फाइंड आउट करने का। ऑनलाइन ब्रांड इक्विटी आपको स्ट्रांग बनानी है, जिससे कस्टमर ऑफलाइन खींचा चलाए। हम भी हमारे क्लाइंट्स को ऐसे ही मदद करते हैं। अगर आपको बोट की तरह एक्सपेंशन करना है, फिजिटल मॉडल तैयार करना है, जब ई कॉमर्स से भी तेजी से फैल रहे हो और फिजिकल आपके स्टोर्स भी फैल रहे हैं, तो आप हमें इस नंबर पर फोन करिए। हमारी टीम आपको ई कॉमर्स वेबसाइट से लेके, स्ट्रेटेजी से लेके, एड्स चलाने से लेके, फिजिटल मॉडल मतलब फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे तैयार करना है, फोको कोको मॉडल्स कैसे बनाए जाते हैं, कैसे लिंक करा जाता है ई कॉमर्स को आपके फिजिटल मॉडल से, मतलब फ्रेंचाइजी मॉडल से, जिससे आप मार्केट के अंदर फिजिटली एक्सपेंशन कर पाओ और बहुत तेज जा पाओ। क्योंकि देखिए, आज मार्केट फास्ट मूवर का है। ब्रांड्स आती थी पहले 30 साल पहले, 40 साल पहले, वो लोग फिजिकल एक्सपेंशन करते थे, फिर लोग ऑनलाइन करने लगे, अब फिजिटल हो गया है। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन ये नया मॉडल है, जहाँ पे आपका स्पीड ऑफ एक्सपेंशन, प्रॉफिट्स, हर चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है, बहुत तेज़ी से आप कस्टमर को एक्वायर करते हो और कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्वायरेशन इस स्ट्रेटेजी से आपका बहुत कम चला जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको जानना है इस मॉडल के बारे में, इस नंबर पर कॉल करिए, जिससे हमारी टीम आपको फिजिटल मॉडल तैयार करने में मदद कर पाए। फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोगों का पेरेंट्स सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।